टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैं इस वीडियो में कौन से एनिमे के बात करने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये मेरे को बोलेंगे कि ये एनिमे तो बहुत पहले निकला है, तू तो लेट है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब ये एनिमे निकला था ना, तब इस एनिमे को मैंने नहीं देखा था। मेरे दोस्त ने मेरे को रिकमेंड किया और उसके बाद जाके ये एनिमे मैंने देखा। और इस एनिमे का नाम है रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। और ये एनिमे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर लीगली क्रंची रोल ऐप पे। तो दोस्तों, जब इस एनिमे का मैंने पहली बार नाम सुना था, तब पहली बार नाम सुनते ही मेरे को किसी और एनिमे का नाम सर पे आया। आप लोगों को जरूर याद होगा कि 2 साल पहले एक हीलर एनिमे रिलीज हुआ था जिसका नाम था रेडू ऑफ हीलर। जो ठरकी बंद है उन लोगों को तो याद होगा ही। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी ठरकी हूँ, बोल नहीं सकता, बट रेडू ऑफ हीलर एनिमे आप लोगों को जरूर याद होगा। आप लोगों को भी शायद वो एनिमे अच्छा लगा होगा क्योंकि उस एनिमे में वो था। वो नहीं था, उस एनिमे में था रिवेंज। तो मेरे को ऐसा पहले पहले लग रहा था कि इस हीलिंग एनिमे में भी वही रिवेंज टाइप का स्टोरी होगा, जैसे कि वहां पे हम लोगों को दिखाया गया था कि हीलर का कोई इज्जत नहीं है वहां पे, उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, लड़कियां उसको टॉर्चर करते हैं और उसके बाद वो लड़कियों से अपना बदला लेता है, उसको अपना टॉर्चर देके टॉर्चर ही दिया था तो उस एनिमे का स्टोरी कुछ ऐसा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इस एनिमे में भी शायद हीलर का कोई इज्जत नहीं होगा, उसको बहुत ही बेदखल कर देंगे, ऐसा टाइप का होगा। लेकिन जब मैंने पहली बार सुना कि ये कोई इसेकाई एनिमे है, तो मेरे को लगा कि इसेकाई में हीलर एनिमे ये कुछ नया टेक है, नया यूनिक एनिमे टाइप का हो सकता है ये, तो मैंने इसको देखना चालू किया। लेकिन इसका जो फर्स्ट एपिसोड था वो देख के मैं इस एनिमे का दीवाना हो गया, क्योंकि इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया यहाँ पे जो हीलर है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है उषा, तो उसको एज अ हीलर वहाँ पे उसको रिकग्निशन मिलता है कि तुम यहाँ पे हीलर हो और तुम बहुत ही रेयर टाइप के हो और तुमको हमको चाहिए। दोस्तों, इस प्लॉट के साथ ये एनिमे का फर्स्ट एपिसोड जो है वो ऐसे शुरू होता है। और उसमें आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं इस एनिमे को पहले से नहीं देख रहा था, इसका 3 एपिसोड ऑलरेडी आ गए हैं और मैं इस 3 एपिसोड को कल ही देखा हूँ और मैं आज आप लोगों को रिव्यू डाल रहा हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर अगर मैं 3 एपिसोड को ऐसे पूरा लंबा खींच दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा वीडियो। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रीफली बोलता हूँ कि ये 3 एपिसोड कैसे है और आप लोगों को ये एनिमे देखना चाहिए कि नहीं। और अगले हफ्ते से ठीक इसी दिन पे, मतलब सैटरडे रात के 9 बजे, हर हफ्ते जितना एपिसोड आएगा उस एपिसोड का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस एनिमे का जो स्टोरी है वो एक कैरेक्टर के अराउंड नहीं होता है। इस स्टोरी में बहुत सारे मेन कैरेक्टर है, जैसे कि 4 अभी तक हम लोगों को दिखाया गया कि 4 मेन कैरेक्टर है। एक है अपना उषा, तो एक है इनुमा की सेंपाई, 3 है काजुकी और 4th नंबर है रोज। दोस्तों, इन कैरेक्टर्स के अराउंड अभी तक हम लोगों को स्टोरी में दिखाया गया। और जब मैंने गूगल पर रिसर्च किया तो शायद एक और 5th प्रोटैगनिस्ट भी इस स्टोरी में हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया वीडियो के शुरुआत में, ये एक इसेकाई एनिमे है, तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि इसेकाई एनिमे क्या होता है। पहले एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया गया था कि ये सब लोग स्कूल में थे, उषा तो इनुमा की काजू के सब स्कूल में थे, वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे थे, वहाँ पे वो लोग फ्रेंडशिप में आए थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों को कुछ और वर्ल्ड में, मतलब इस वर्ल्ड में उन तीनों को समन किया गया था। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है उषा, तो उसको वहाँ पे गलती से समन कर दिया गया था। उसको समन करने का कोई इरादा नहीं था, उन लोगों ने सिर्फ समन किया था इनुमा की और काजू की को। उषा तो वहाँ पे समन हो गया था गलती से, और वहाँ पे जाके उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को एक पावर मिलेगा जिससे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है उस किंगडम को डीमन आर्मी से। दोस्तों, ये जो हमारा सब प्लॉट है इसके अराउंड ये स्टोरी घूमता है। उसके बाद एक कैरेक्टर का एंट्री हुआ जिसका नाम था रोज, और वो हीलिंग स्क्वाड की मेंबर है। और जब रोज को पता चला कि उषा के पास सबसे रेयरेस्ट पावर है, मतलब उस वर्ल्ड में हीलिंग पावर जो है वो सबसे रेयर पावर होता है, जब उसको पता चला कि उषा के पास वो पावर है, तो उसने उसको ले लिया और उसने उसको ट्रेन किया। और 2nd एपिसोड 3rd एपिसोड में हम लोगों को वो उषा का ट्रेनिंग दिखाया गया, लेकिन हम लोगों को इनुमा की और काजुकी का कोई ट्रेनिंग नहीं दिखाया गया। लेकिन हम लोगों को ये बोल दिया गया कि इनुमा के पास है लाइटनिंग पावर, काजुकी के पास है लाइट पावर। दोस्तों, ऐसा हम लोगों को ब्रीफ इंफॉर्मेशन देके हम लोगों को सिर्फ उषा के साइड का स्टोरी दिखाया गया कि वो कैसे ट्रेनिंग किया। और जो 3rd एपिसोड था, मतलब जो कल वाला एपिसोड था, वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे हम लोगों को फाइट दिखाया गया और हम लोगों को ये बोला गया कि उषा के पास सिर्फ हीलिंग पावर नहीं है, उसके पास है स्ट्रेंथ, जैसा कि उसको ट्रेनिंग मिला। अगर आप लोग ये एनिमे देखोगे तो 2nd एपिसोड के अंदर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन देखने को मिलेगा, जो देख के आप लोगों को मजा ही आ जाएगा, क्योंकि 2nd एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा था।
और थर्ड एपिसोड में उसी ट्रेनिंग का हम लोग को रिजल्ट दिया गया, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसातो ने एक बहुत बड़े सांप को मार डाला। वहाँ पे मिला उसको एक बेयर और उसने उसको पेट रख लिया। दोस्तों अभी तक स्टोरी हम लोगों को इतना ही दिखाएगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोगों को पिछले एपिसोड के लास्ट में एक टीज किया गया था, एक डीमन दिखाया गया था। वो लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग रेडी है इन्वेट करने के लिए उस किंगडम को। तो अभी तक जो स्टोरी है वो यहाँ तक ही चला है, इसके बाद क्या होगा वो देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस एनिमे को देखो यार, बहुत अच्छा एनिमे है, बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसका जो स्टोरी है वो ही बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को इसे का एनिमे पसंद है उन लोगों के लिए ये एनिमे तो मस्ट वॉच है। और आप लोग इस एनिमे को इंडिया के अंदर लीगली देख सकते हो क्रंची रोल ऐप पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप लोग जाके ले लो, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोग जाके ले लो और इस एनिमे को देखो। और बहुत सारे एनिमेज वहाँ पे निकले हैं, आप लोग सारे एनिमेज को चेकआउट कर सकते हो। इंडिया के अंदर क्रंची रोल बहुत सारे एनिमेज ला रहा है, तो सारे एनिमेज को आप लोग चेकआउट करो जो जो आप लोगों को अच्छे लगे। ये था इस एनिमे का रिव्यू, आशा करते हो कि आप लोगों को ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, हर वीडियो में बोलता हूँ इस बिना ही बोलूंगा, सब्सक्राइब कर दो या सब्सक्राइब कर दो। आप लोग मुझको मोटिवेशन दो, मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद।